रियासत का बंटवारा। रियासत शब्द तो आप ठीक से लिख नहीं सकते और आपको रियासत का बंटवारा चाहिए। शर्म नहीं आती आपको अपने अब्बा हुजूर से आंख मिलाकर आप रियासत का बंटवारा मांग रहे हैं? तो ठीक है, हम अपनी आंख दूसरी तरफ करके मांगते हैं। अब्बा हुजूर, हमें हमारा हक चाहिए, हमें रियासत का बंटवारा चाहिए। क्या हम जान सकते हैं कि आप किस हक से रियासत का बंटवारा मांग रहे हैं? क्या आप हमारे अब्बा हुजूर नहीं है? क्या हम आपकी इकलौती औलाद नहीं है? क्या आपने हमें जन्म नहीं दिया? हाँ, हो गई गलती, हमसे एक गलती हो गई, बार बार उसको गिनाकर क्या फायदा होने वाला है? गलती हो गई तो हो गई। हाँ, तो गलती की है तो भुगतनी भी पड़ेगी। हमें रियासत का बंटवारा चाहिए। ये हमारी रियासत है, कोई ताश के पत्ते नहीं है जो यूं बट जाएंगे। हर चीज बट सकती है जहां बना लो। हाँ जरूर, दरबान जरा इसके कान के नीचे खींच के दो। लो जहां पना, हम तुम पत्ते खींचने को कह रहे हैं। अब्बा हुजूर, ये हमारा सबसे अजीज दोस्त है, वकार खान। ओहो, तो ये है मक्कार खान। हमारा मतलब है वकार खान। आप अपने घर खानदान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? अरे जापना, आपने हमें पहचाना नहीं? हम सलीम के बचपन के दोस्त हैं, याद आया? सलीम के बचपन के दोस्त? हाँ अब्बा हुजूर, ये वही हमारा दोस्त है जिसके पीछे आपने अपने शाही कुत्ते दौड़ाए थे। वाओ वाओ वाओ। ओहो, वो कमीना बच्चा। नहीं, शक्ल इतनी बदल गई है ना आपकी, पहले भी कुछ खास थी नहीं लेकिन अब तो माशाल्लाह। अब्बा हुजूर, आपको तो बस हर चीज गलत ही लगती है क्योंकि आप खुद ही गलत हो। ये है हमारा सच्चा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त। बस हमें हमारा हक चाहिए। और अगर हमने नहीं दिया तो हम खुदकुशी कर लेंगे। हाँ ये सही है, गला काट लेंगे अपना। हाँ ये ठीक है, जान दे देंगे अपनी। बहुत बढ़िया, हम कभी लौट के नहीं आएंगे। ये सही होगा, फिर अम्मी जान आपको मारेगी। ये गलत है। तक लिया। आओ आओ वकार, बैठो। तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। आज तुम्हारी वजह से हमें वो मिला है जो हमेशा से हमारा था। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांगो, जो चाहिए। तुम मुझे सच्चा दोस्त समझते हो? तो ठीक है, तुम मुझे अपनी सल्तनत में राजा का पंजा बना दो। ठीक है, हम तुम्हें अपनी सल्तनत में राजा का पंजा बनाते हैं। क्या शहजादे सलीम ने ऐसा कहा? वो अपनी जान देना चाहता है, हमारा इकलौता बेटा। हम जानते हैं, हमने कई दिनों से उसे काला टीका नहीं लगाया ना, किसी की बुरी नजर जरूर लगी होगी। अरे किसी और की क्यों, खुद ही को आईने में देख लिया होगा उसने। क्या? अरे जहां बना, उसे ऐसे ख्याल कभी नहीं आया कि अपनी जान दे देगा वो। हाँ लेकिन हमारी जान लेने का ख्याल तो कई बार आया है, अब अचानक उन्हें बंटवारा चाहिए, रियासत में बंटवारा, वरना अपनी जान दे देंगे। अरे बंटवारा ही चाहिए ना, तो कौन सी बड़ी बात है? आपकी तो यूं इतनी बड़ी रियासत है, 80% दे दीजिए उसे, दे दीजिए। साहिबा ये हमारी रियासत है, कोई आपका आधा प्यार नहीं है जो 80% उन्हें दे दे। बीरबल अच्छा हुआ आप आ गए, आप जरा समझाइए इन्हें। जापन हमने सब सुन लिया, कर दीजिए बंटवारा। बीरबल आप भी रानी साहिबा की तरफदारी कर रहे हैं? हम तो सिर्फ समझदारी की तरफदारी कर रहे हैं। इस वक्त शहजादे सलीम के सर पे बंटवारे का भूत सवार है, अगर आपने मना कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता,
हम अपनी रियासत का बंटवारा नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। ये सब महाभारत आपकी वजह से शुरू हुआ है। हमारी वजह से सिर्फ सलीम हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जाफना, हम आपसे वादा करते हैं, हम बंटवारा नहीं होने देंगे। आप बंटवारा कर दीजिए। क्या? फिलहाल के लिए बंटवारे के लिए हाँ कह दीजिए। हम पे भरोसा रखिए जाफना। आओ बैठो। आइए आइए आइए, एक हस्ती खेलती रियासत के बंटवारे की चाहत रखने वाले, आइए, आपका स्वागत है। बताइए सलीम, क्या चाहिए आपको? हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक की रियासत चाहिए, बाकी सब आप रख लेना। बाकी सब रखने के लिए हमारे पास बचेगा क्या? मुझे पता है, गोपी, पिताजी और मैं। ठीक है अब्बा हुजूर, हम आपका दिल रख लेते हैं, आप बीच में दिल्ली रख लेना। गुस्ताख, रख लेना से आपका क्या मतलब है? खैरात दे रहे हैं आप हमें। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बादशाह सलामत, और आप भी शहजादे सलीम शांत हो जाइए। हमारा मतलब है जा पना सलीम, आप भी शांत हो जाइए। वैसे आप जो मांग रहे हैं वो 90%, पर आपने तो कहा था कि आपको सिर्फ 50% चाहिए। आप मगर अब दिल मांगे और ये बताइए कि राज्य में सैनिक कितने हैं? यही कुल मिलाकर 1,40,000। हाँ तो ठीक है, 40,000 आप रख लेना और 1,00,000 हम रख लेंगे। 1,00,000 ना दे दें आपको? अब मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप जो चाहेंगे जहां पना सलीम आपको दे दिया जाए, लेकिन क्या है, बंटवारा है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। कुछ दस्तावेज बनाने पड़ेंगे और दस्तावेज बनाने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, आपका हिस्सा आपका। बहुत खूब, चलो दोस्त, हम अपने कक्ष में जाकर चौसर खेलते हैं। चलो। अरे वकार मियां, कहां चौसर खेलने जा रहे हैं? आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हाँ तो हम अकेले ही हैं, कहिए। वकार मियां, क्या है कि उर्वशी आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। हमसे अकेले में? अरे वकार मियां, क्या वकार मियां, एक उर्वशी है कि आपसे मिलने के लिए बावली हुई जा रही है, और एक आप है कि शहजादे सलीम के साथ चौसर खेलने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आप निकल लो उर्वशी के पास, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। अरे सोच क्या रहे हैं वकार मियां, उर्वशी शाही बगीचे में बिल्कुल अकेली। हम अभी जाते हैं। उर्वशी, आपने हमें याद किया? छोड़िए, ताश के पत्ते नहीं, हमें यूं पीछे से डराना छोड़िए। वैसे आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? करीब आइए ना। आइए। आज ना। आज? आज ना। आज क्या? आज ना कीचड़ में कमल खिला है। अरे कीचड़ में कमल, इसका क्या मतलब है? अरे वाह उर्वशी, कहीं आप इस महल को कीचड़ और हमें कमल तो नहीं समझ रही है? ये वकार कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई। शहजादे, अरे वकार कहाँ रह गए थे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस यूं ही घूम रहे थे शहजादे। चलो चौसर खेलते हैं। हाँ चलो। नहीं, ये तो उर्वशी की खुशबू है, मतलब उर्वशी के एतर की।
क्या तुम उर्वशी से मिलके आ रहे हो? हाँ, दरअसल उसी ने हमें बुलाया था। उर्वशी ने तुम्हें बुलाया? अगर उसने बुलाया तो कुछ कहा तुमसे? हाँ, उसने कहा कि कीचड़ में कमल खिला है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। तुम भी हमें औरों की तरह बेवकूफ समझ रहे हो ना? हमें सच सच बताओ कि उर्वशी ने क्या कहा तुमसे? सच कह रहे हैं शहजादे, बस इतना कहा और वो भाग गई। अच्छा, भाग गई? ऐसे तो तुम हमारे दोस्त हो वकार, लेकिन न जाने क्यों हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा थूक दो शहजादे, गुस्सा थूक दो, अंडे की तरह उबलना बंद कर दो। आप हमारे मित्र हो, मित्र शहजादे हो आप, शाही खून है आप, शाही खून। आओ चौसर खेलते हैं। हाँ चलो चलो। बकार मियां, आप यहाँ बगीचे में भवरे बनकर घूम रहे और वहां उर्वशी चंचल तितली बनकर आपको ढूंढ रही। मुझे सच? मगर वो सलीम और उर्वशी का तो कुछ नहीं है। हट, किसने कहा आपसे? अरे कुछ नहीं है। लगता है वकार मियां आपने वो कहावत नहीं सुनी, दिल तो दिल है इसकी क्या खता, दिल दिल तो दिल है इसकी क्या खता। कब किस पे आ जाए हमें क्या पता, और वैसे जब उर्वशी का दिल आप पे आ गया तो इसमें आपकी क्या खता है, समझे कि नहीं? समझ गए बीरबल जी, समझदार को तो इशारा ही काफी है। लेकिन ये उर्वशी ना लड़की नहीं बल्कि एक पहेली है। पहेली? अरे हर लड़की की सहेली पहेली होती है। लेकिन आप तो तीस मार खा हो और हमें यकीन है कि आप इस पहेली को सुलझा के ही रहेंगे। लो नाम लिया और आपकी पहेली हाजिर हो गई। देखो तो लगता है वकार मियां ये आपसे दिल की बात करना चाहते हैं। तो हम कबाब में हड्डी क्यों बने? आप लगे रहिए, हम चलते हैं। देखिए देखिए कैसे देख रही। उर्वशी जी, आप हमें ढूंढ रही हैं? छोड़िए। क्या छोड़े? हमसे यूं दूर रहना छोड़िए, वरना हम आपसे बात कैसे करेंगे? आइए। वैसे अच्छा बहाना है हमें करीब बुलाने का, तो बताइए अपने दिल की बात जो आपने दबा के रखी है। आज ना? आज? आज क्या? आज ना चांद पे कमल खिला है। अरे समझाते तो जाइए कि चांद पे कमल खिला कैसे, और अगर खिलना ही था तो चांद पे खिलने की क्या जरूरत है। कहाँ रह गया वकार? हमसे कह रहा था कि उसे हमसे वर्जिश सीखनी है, लेकिन वर्जिश सीखने का पहला नियम होता है समय पे आना। अब हमें उसे पहला नियम सिखाना ही होगा। ज़ादे, अरे वकार कहाँ रह गए थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो हम ताश की गड्डी लेने गए थे शहजादे। ताश की गड्डी? अब क्या पत्ते खींच खींच के दंड पेलोगे? पांच आए तो पांच दंड, दस आए तो दस दंड है? चलो। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ हुजूर। वकार खान साहब, आपकी ये ताश की गड्डी वहां बगीचे में गिरी पड़ी थी जब आप उर्वशी जी के साथ थे। उर्वशी? झूठ, फिर से झूठ, तुमने हमसे फिर से झूठ बोला। इसलिए तुम्हारे कपड़ों से उर्वशी के इत्र की खुशबू आ रही है। तुम आज भी उर्वशी से मिलने गए थे? नहीं नहीं, इस बार मैं उससे मिलने नहीं गया था, बल्कि उर्वशी हमसे मिलने आई थी। अच्छा, लेकिन उर्वशी तुमसे मिलने क्यों आएगी? हमें सच सच बताओ कि उर्वशी ने तुमसे क्या कहा। यही, यार चांद पे कमल खिला है। अच्छा, कल कीचड़ में कमल खिला था, आज चांद पे कमल खिला है। वकार, तुम हमारे दोस्त हो इसलिए हमसे कभी झूठ मत बोलना, वरना इस मुदगल से मार मार के तुम्हारे शरीर पे इतने छेद करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि खाए कहां से और डक्कार कहां से ले। वकार साहिब, उर्वशी ने आपको अपने कमरे में बुलाया है तुरंत। अच्छा,
क्या सोच रहे हैं? जल्दी चलिए, इस मौके बार बार नहीं आते, चलिए। ठीक है, शहजादे से कहिएगा कि हम उनसे दीवारें खास के बाहर मिलेंगे। जी हुजूर। ठीक है, उर्वशी, कह दो वो बात जो तुम्हारे दिल में है। छोड़िए। अरे हम तुम्हें छोड़ने नहीं, पकड़ने आए हैं, अपनी बाहों में जकड़ने आए हैं, जल्दी से कह दो। क्यों जल्दी करना छोड़िए, हमें सांस तो लेने दीजिए। हाँ मामूजान, हो गए सारे दस्तावेज तैयार, हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। हाँ भांजे, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पे बातें करनी पड़ेगी, बंटवारे का हिसाब किताब वापस देखना पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से वो वकार देख लेगा। लेकिन वकार है कहाँ? उसने हमें यहीं पे दीवाने खास के बाहर मिलने को बोला था। लगता है वकार मियाँ दीवाने खास का रास्ता भूल गए। मतलब हमने उन्हें उर्वशी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या हो सकता है? दीवाने खास में आने से ज्यादा जरूरी उनके लिए वो है जिनके वो खास दीवाने हैं। नहीं नहीं, वकार ऐसा नहीं कर सकता। अरे शहजादे सलीम, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं? हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आपको चल के देखना चाहिए कि वकार मियाँ क्या क्या कर सकते हैं। पर छोड़िए ना, आप क्या कह रहे थे? वो दस्तावेज। हाँ वो दस्तावेज। छोड़िए। अरे क्या छोड़िए छोड़िए छोड़िए, बहुत हो गया आप बस हमें यूं बेवकूफ बनाना। अच्छा जी, अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। आज ना आज क्या बताइए? आज ना राजमहल में कमल खिला है। कमल खिला है? कौन है कमल? कहाँ है ये कमल? बहुत हो गया अब ये कमल कमल। अरे आप इतना भी नहीं समझे? अगर शहजादे सलीम होते ना तो वो तुरंत समझ जाते, क्योंकि वो शाही खून है और बहुत होशियार भी। होशियार? बेवकूफ है बेवकूफ, गधा है वो। और आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे हम समझा देंगे। वैसे भी वो वही करता है जो हम उसे कहते हैं, वो तो सिर्फ गद्दी पे बैठने का बहाना है, असली बादशाह तो हम हैं। छोड़िए। आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो तुम्हें अपना बना के ही रहेंगे। बहुत हो गई बातें और मुलाकातें। छोड़िए, ये क्या करें आप? छोड़िए, कोई है? बचाइए, कोई है? कुष्टक। शहजादे सलीम, अच्छा आप आ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई उर्वशी को पकड़ने की? अब हम तुझे तेरी ताश की गड्डी पकड़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अरे सलीम, तुम तो हमारे दोस्त हो, ये इस उर्वशी की साजिश है हमें फंसाने के लिए, हमेशा यही हमें बुलाती है। अच्छा हाँ? हम क्या इन्हें जबरदस्ती बुलाते हैं हमारे साथ जबरदस्ती करने? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। शहजादे सलीम छोड़िए ना। बीरबल जी हट जाइए, आज हम इसे जल्लाद के हवाले कर देंगे और उससे कहेंगे कि वो इसे जितने कोड़े मारेगा हम उसे उतनी सोने की मुद्राएं देंगे। चल आया बड़ा दोस्त। अरे अरे आप कहिए वकार मियाँ उम्र भर पिटेंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्लाद को अपना नया घर बनवाना है और उसके चार बेटियों की शादी भी करवानी और हमारी भी। आप जल्लाद की बेटी? हमारी। ओ हमारी। शुक्र है अल्लाह का बीरबल के, आपकी वजह से सलीम को इस बात का इल्म तो हुआ कि वो वकार खाने का आस्तीन का सांप है। जापना हम जानते हैं कि इस वक्त आप शहजादे सलीम से बहुत खफा हैं, लेकिन सही मायने में सारी गलती शहजादे सलीम की नहीं है। क्या मतलब है आप? जापना शहजादे सलीम को एक दोस्त की जरूरत थी, अगर आप उन्हें अपना दोस्त बना लेते तो शायद वो वकार मियां से दोस्ती नहीं करते। जापना शहजादे सलीम के लिए आपसे बेहतर दोस्त हो ही नहीं सकता जो उनका मार्गदर्शन करे। और वैसे भी एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब
बाप के जूते बेटे के पैरों में आने लगे तो बाप को बेटे का दोस्त बन जाना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं बीरबल, हमसे गलती हुई है। कहाँ है सलीम? नहीं है। नहीं, शहजादे सलीम आप अंदर आ सकते हैं। घबराइए मत, हमने हमेशा आपको गधा बेवकूफ कहा, लेकिन आज हम एक गधे के साथ दोस्ती करना चाहते, मतलब हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते। हमें माफ कर दीजिए अब्बा हुजूर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अगर आपने बचपन में हमें दो थप्पड़ मारे होते ना तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। तो आज मार देते हैं, आपको थप्पड़ मारने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, अभी देरी नहीं हुई है। मजाक कर रहे हैं हम, आइए।